कथा सुनाने वाले हनुमान जी हैं। अच्छा अच्छा, ये कलयुग के कथावाचक हैं, प्रवचन करता है, सभी कथाओं में पधारते हैं। इनके बगैर कथा पूरी नहीं होती है। यही कथा के आयोजक हैं और यही कथा के मालिक हैं और यही कथा आपके यहाँ विधिवत संपन्न कराएंगे। आज्ञा मांग कर प्रेम से प्रणाम करते हुए श्रद्धा से यहाँ पूजन करें। पंडित जी पूजन करा रहे हैं, उसके बाद में फिर बड़ा पूजन घर पर होगा। ॐ वृष भीम शतवंत शतनि चाहसा सवाशा वेगवाच वीक्षिपा स्वाहा भगवते हनुमते नमः आंजनेयाय नमः। ध्यानपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि सर्वोपचारार्थे। गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करो, हे प्रभु उपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ॐ ओम मंदर स्वाहा स्वाहासु कारिदलातु विश्यार्जी यगमाश्यवारी दशरणी रिदाहनिदाहस्यवाहुरसी दक्षिणो विसुद्या ऋषि जयमानस्यवारी दीर्घस्नेहरी रिदाहनद्रापरुणोत्तरदाहवारिदत्तां रुवेणधर्मणा विसुद्या ऋषि जयमानस्यवारी दीर्घस्नेहरी रिदाहा आराम से माता जी, आराम से।
तो हम जो है आप लोग यहीं रुके रहेंगे हम लेवा का कलश वहां से आना नहीं अब मैं चल रहे हैं ना आपके घर
Thank you.
Thank you.
I
जहां आप कहेंगे वहीं तो ओ संगू स्वामी यहाँ लगाइए नहीं नहीं वहाँ दुर्गे सुनतामतिमदेवसवाप्यासानवरिस्तवसौनकविस्मदालान्भगवान्मदार्जुनवशिष्ठविभीषणानिपुण्यानवन्परमम्भागवतान्नमामि ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा दानाय स्वाहा सर्वयामि गताय पूजाय साधन्याति नैवेद्यं निवेदयामि नम्या भूमिर्द सहस्रोत्रा सुधा लोकान अगल्पेन नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं त्यागमनीयं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि अमृतैः प्रतिमादरं पुष्पतैः प्रसुभदी अश्वसुन्दरी पुष्पमाल्यां समर्पयामि नमस्करोमि सुगन्धे द्रव्यं त्र्यम्बकं सुगन्धिं विष्णुवर्धनं मा उर्वारुकमेव वन्दनां क्षीयमामृताय हस्तो प्रक्षाल्यो हाथ साफ कीजिए अपने माता जी हाथ साफ कर दीजिए स्नानं समर्पयामि वज्रस्नानं दुर्गायै नियन्त्रं समर्पयामि वस्त्रो वस्त्रो
देवता तो भूमि के पृथ्वी के ब्राह्मण ही हैं।
कहता है अरे छह महीना लग